हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटी रिच विद मीनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड एंड हैप्पी मकर संक्रांत एंड उत्तरायण टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं गुजरात में रह रही हूँ। तो यहाँ पे मकर संक्रांत को उत्तरायण कहते हैं, और यहाँ का मार्केट किस तरह से सजा है उत्तरायण के लिए, उत्तरायण के दौरान कौन सी स्पेशल डिश यहाँ पे फेमस है, एंड यहाँ पे पतंग उड़ा के सेलिब्रेट करते हैं, तो वो मैं आपके साथ सब शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए अभी हम मार्केट जाते हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा जलेबी लेने के लिए रुके हैं। जलेबी यहाँ के बहुत फेमस स्वीट है, जो हर फेस्टिवल में यहाँ पे खाई जाती है। अभी हम घर आ चुके हैं और ये सब पतंग हमने खरीद के लाए हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम टेरेस पे पतंग उड़ाने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लंच करेंगे। और लंच में मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया है, और बाहर से कौन सी जो यहाँ की जो सबसे फेमस डिश है जो उत्तरायण के वक्त खाई जाती है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी लंच भी रेडी है, और लंच में मैंने पालक पूरी जो है पहले से ही प्रिपेयर करके रखी थी। एंड अभी बाहर से हमने जलेबी और उंधियों की सब्जी लाई है, जो कि बहुत ही फेमस डिश है यहाँ की। उत्तरायण के टाइम में इसे मैक्सिमम पीपल खाते हैं, एंड इसके बहुत सारे स्टॉल्स भी उत्तरायण के वक्त लगे रहते हैं। और उंधियों की सब्जी में मिक्स वेजिटेबल्स रहते हैं, एंड स्वीट पोटैटो इसमें का मेन इंग्रेडिएंट है, उसके कारण इस सब्जी को थोड़ा स्वीटिश टेस्ट आता है। आप जब भी गुजरात आओ तो उंधियों की सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा। Thank you.
फ्रेंड्स, मैंने मेरी मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण इस तरह से सेलिब्रेट किया है। आप लोग भी मुझे बताइए कि आपने कैसे अपनी मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे सेलिब्रेट आप लोगों ने किया है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। थैंक यू।